मैं हूँ योशु मायापुरी टीवीएन वेब सीरीज बुलेटिन में आपका स्वागत है। कार्तिक को डिवोर्स नहीं देगी वेदिका। ऑलरेडी शो में देखा जा चुका है कि वेदिका नायरा और कार्तिक की क्लोजनेस से काफी जेलस है और ऊपर से घर वालों का रूड बिहेवियर उसे और भी परेशान कर रहा है। अब वेदिका अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाएगी और कार्तिक को डिवोर्स ना देने का मन बना लेगी। वेदिका कार्तिक के क्लोज जाने की भी कोशिश करेगी पर कार्तिक को नायरा के पास उसे केयर करते देखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि इस शादी में और कितने ट्विस्ट आते हैं। हिना खान की क्रिसमस वेकेशन की पिक्स हुई वायरल। हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ क्रिसमस वेकेशन एंजॉय करने पहुंच गए हैं मालदीव्स। इस वेकेशन से हिना खान ने कई सारी फोटोज भी शेयर की। हिना को स्विमिंग पूल में ब्लैक मोनोकनी में पोज करते देखा जा सकता है। वहीं हिना इस रेड ड्रेस में बीच वाइब्स एंजॉय करती नजर आ रही हैं। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर फिर से कर सकते हैं एक साथ काम। सुनील ग्रोवर ने हाल ही में डॉक्टर मशहूर गुलाटी के कैरेक्टर के लिए रेडी होते हुए तस्वीर शेयर की है, जिसके बाद फैंस को लग रहा है कि वो कपिल शर्मा शो में वापस आ सकते हैं। अब हाल ही में सोहेल खान की बर्थडे पार्टी से कपिल ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उन्हें सुनील ग्रोवर और सलमान खान के साथ देखा जा सकता है। वहीं सुनील ने कपिल को बेटी के जन्मदिन पर भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। सुनील और कपिल के सुधरते रिश्तों को देखकर इन दोनों के साथ काम करने की उम्मीद लगाई जा सकती है। एक दूजे के वास्ते सीजन 2 का नया टीजर हुआ आउट। एक दूजे के वास्ते में नमित पॉल और निकिता दत्ता की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था, जिसके बाद फैंस की डिमांड पर सीजन 2 लाया जा रहा है, पर डिफरेंट स्टार कास्ट के साथ। सीजन 2 के टीजर में नए एक्टर्स को एश्रवन और सुमन इंट्रोड्यूस किया गया है। टीजर को देखकर कहा जा सकता है कि ये शो मिलिट्री बैकड्रॉप पर सेट होगा। ये शो जैन 2020 में लॉन्च होगा। हिमांशी खुराना ने रिवील किया कि नहीं हुई है उनकी इंगेजमेंट। बिग बॉस 13 के घर में हिमांशी खुराना ने कहा था कि उनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। आसिम और हिमांशी के बीच बिग बॉस के घर में नजदीकियां दिखाई गई। आसिम ने हिमांशी से प्यार का इजहार भी किया। हिमांशी ने झूठ बोलने के पीछे की वजह बताई कि वो कोई अनवांटेड अटेंशन नहीं चाहती थी। वो इंगेज नहीं है पर उनका लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है। टीवीएन वेब सीरीज बुलेटिन में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मायापुरी कट।